अरे अम्मी, मैं कहीं भी चला जाऊं, कितने लोगों को भी अपनी जिंदगी में शामिल कर लूं, लेकिन आपकी जगह तो कोई नहीं ले सकता ना। आप तो मेरी माँ है। रहने दो बेटा जबानी कलामी माँ, वरना अपनी माँ से कोई छुपाता है कुछ? अरे अम्मी, मैं आपसे कुछ भी क्यों छुपाऊंगा, तो इतनी बड़ी बात मैं आपसे कैसे छुपा सकता हूँ? तुम शहर में घर बनवा रहे हो, ये बात मुझे अनवर अली से पता चल रही है। सोचो मुझे कितना दुख हुआ होगा। रियली सॉरी बड़ी अम्मी, मुझे आपसे बात कर लेनी चाहिए थी, बल्कि मैं तो घर की पहली ईंट भी आपके मुबारक हाथों से लगवाऊंगा। मैं तो बस सरप्राइज देना चाह रहा था ना आपको। चलो बेटा खुश रहो, बस अब मेरा दिल बहुत जल्दी बदगुमान होने लगा है। मैं समझता हूँ बड़ी अम्मी, लेकिन आपने आपने तहरीन के साथ बहुत ज्यादती की। उसने बहुत खुलूस से शफक के लिए कोशिश की थी। तुम्हें अच्छी तरह पता है शफक की हालत आजकल क्या है। जो अंदाजा है, शफक भी हमारी जिम्मेदारी थी, लेकिन थी नहीं, शफक तो तुम्हारी जिम्मेदारी है और हमेशा रहेगी। क्या तुम मुझे ऐसे में अकेला छोड़ दोगे? बिल्कुल भी नहीं बढ़िया, शफक मेरी हमेशा जिम्मेदारी रहेगी। जिम्मेदारी, फिक्र, फिक्र होती तो इस घर में तहरीन की जगह मैं होती। बाबा, प्लॉट की विड्थ एंड लेंथ के हिसाब से मुझे ये प्लान ज्यादा बेहतर लग रहा है। तुम सही कह रहे हो, क्योंकि इस तरह तुमको स्पेस ज्यादा मिल जाएगी और तुम अपना लॉन बेहतर कर सकते हो। क्यों देरी? बाबा मुझे तो इस सारी चीज की कोई समझ नहीं है, तो जो आपको बेहतर लगे। बाबा रोहिल ने जिस कॉन्ट्रैक्टर को बताया था वो भी ठीक ही है, लेकिन आप भी किसी से कंसल्ट कर लें। वो रोहिल वाला कॉन्ट्रैक्टर अच्छा है, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो एक दो लोगों से और बात कर सकते हैं। जी ठीक है, एक दफा कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड हो जाए तो फिर नेट अमाउंट का अंदाजा लगाया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंगली सब ब्रेक डाउन कर लेंगे। ठीक है। अरे आओ शफक, तुम भी आओ, अपना ओपिनियन दो। हाँ आओ ना शफक। मैं क्या ओपिनियन दूँ, मेरे ओपिनियन की वैल्यू ही क्या है, आप लोग बेहतर जानते हैं। वो मेरा मतलब था कि आपका घर है, आप बेहतर जानते होंगे कैसा बनना चाहिए। मुझे किसी के घर से कोई दिलचस्पी नहीं। शफक बेटा, बड़ा प्लान है। तो ऐसा लग रहा है।